हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम्स यू इन आवर चैनल द साइंस मास्टर। आज क्लास 10th के बायोलॉजी के कुछ बचे हुए पोर्शन है लाइफ प्रोसेस के, उनको ले करके मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। जल्दी से इस चैप्टर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि आगे वाले चैप्टर के ऊपर में हम लोग आगे बढ़ सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हो लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ये जानेंगे। चलिए सीधे बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और जानेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म कर लिया जाए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेशन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड और एसेंशियल मटेरियल को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुँचाने का काम करते हैं, उसे हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं। तो सर्कुलेशन के प्रोसेस में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बींग्स, और वहाँ से जो सेल्स होते हैं उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू ही कैरी होकर के सारे शरीर में से इकट्ठा होकर के उनको शरीर के बाहर भी निकालने में मदद करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें, अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे अमीबा हैं, तो अमीबा के अंदर में सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस में सारे न्यूट्रिएंट जो हैं शरीर के अंदर आते हैं और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से यानी साइक्लोसिस के प्रोसेस में वो न्यूट्रिएंट पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और सर्कुलेशन कम्प्लीट होता है। अर्थवर्म या एनालिड्स ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर में ब्लड सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स की मदद से पाए जाते हैं और उनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है अर्थवर्म के अंदर में। बाकी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें बहुत ही इल डेवलप या बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। तो ओपन सर्कुलेशन का मतलब होता है जिसमें ब्लड जो है पूरे बॉडी कैविटी में भरा होता है एंड देयर इज नो ब्लड वेसल्स इन विच द ब्लड्स आर सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती है जिसमें से कि ब्लड फ्लो करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करे और उनके बॉडी कैविटी में ही ब्लड भरा रहता है, इसलिए इस तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेशन। तो क्लोज सर्कुलेशन यानी इसका मतलब होता है कि ब्लड सर्कुलेटेड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में भी मिलता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके के होते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब भी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा होता है हार्ट। तो ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, आज के इस वीडियो में कोशिश तो यही है कि पूरा का पूरा इस चैप्टर को लेकर के आया जाए, जल्दी से इसको कंप्लीट किया जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है? जैसा आप जानते हो क्लास 9 में भी पढ़ा है कि ब्लड इज ए रेड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि दो या दो से ज्यादा तरीके के सेल्स जो है एक साथ में पाए जाते हैं यहाँ पे, और उनके अंदर में प्लाज्मा भी होता है। तो ये हमारे ब्लड हैं जो कि रेड कलर के होते हैं। ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का काम होता है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना ताकि हमारे सारे सेल्स तक जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो सारे के सारे हमारे शरीर में पहुंच सके। ब्लड को अगर हम डिवाइड करते हैं कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कैसे होता है? दीज आर द पेल येलो यानी हल्के पीले रंग का होता है। ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का जो कि 90% वाटर का बना होता है। इसके अंदर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल सब मिलते हैं, यानी इसके अंदर में ग्लूकोज भी मिलेगा, अमीनो एसिड्स भी मिलेंगे, यूरिया, यूरिक एसिड, दूसरे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर में पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारे के सारे ब्लड सेल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है हमारे ब्लड का, ब्लड प्लाज्मा, स्ट्रॉ कलर के होते हैं, पेल येलो होते हैं। दूसरा है हमारा ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से? आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स। तो ये तीन होते हैं। तो आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूको का मतलब भी होता है कलरलेस। तो WBC यानी ये कलरलेस सेल्स होते हैं, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं पाई जाती है। RBC एरिथ्रोसाइट्स है यानी इनके पास में रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन।
आरबीसी के बारे में अगर हम बात करें तो आरबीसी को आप देख रहे हो कि ये स्फेरिकल है, बाइकॉनकेव है, यानी दोनों तरफ से अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, डीन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। ये एक खास तरीके के सेल हैं जिनके पास में कोई न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। इनकी अगर बात करें तो इनका जो रेड कलर होता है आरबीसी का, वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन को हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव हाई एफिनिटी टू कैरी द ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ इट। अपने साथ में ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता होती है, तो वो एक ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के एक कंपाउंड बना देता है, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं उसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। दूसरा, इसी तरीके का जब वो वापस आता है, ब्लड वापस आता है सेल से, तो अपने साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हीमोग्लोबिन मिल करके बना देता है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बना देता है। तो ये दो कंपाउंड, तो इनका ये काम ही है आरबीसी का कि वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करें और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आए। आरबीसी के नंबर की अगर बात करेंगे तो दीज आर 50 to 55 lakhs इन मिलीमीटर क्यूब। छोटे से ब्लड के हिस्से में लगभग 50 लाख से 55 लाख तक आरबीसी या एरिथ्रोसाइट सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, यानी दीज आर द 5 to 5.5 million per millimeter cube। इनकी लाइफ स्पान की बात करें, कितने दिनों तक इनकी सेल की अवधि होती है, तो वो होता है 115 से 120 दिन। ये सभी एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उनको अलग से लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। कहाँ बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स में बनते हैं, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट इन द लॉन्ग बोन इज नोन एज द एरिथ्रोपोएसिस। नाम टर्म याद रखिएगा, एरिथ्रोपोएसिस क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इन द बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स। तो बोन मैरो को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ द ब्लड सेल्स भी कहते हैं, या आरबीसी की फैक्ट्री भी कहते हैं। कहाँ खत्म होते हैं? ग्रेवयार्ड क्या है? इनका कब्रिस्तान कहाँ है? तो स्प्लीन, नाम याद रखिएगा, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है वो क्या है? स्प्लीन है, जो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इनका काम अभी मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द बॉडी। दूसरा हमारा है WBC, यानी ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट यानी इनके पास में कोई पिगमेंट, कलर पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? दीज आर द इरेगुलर और अमीबॉइड शेप्ड। इरेगुलर होते हैं या अमीबॉइड शेप्ड होते हैं, अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है। इनकी जो संख्या है वो बहुत कम होती है, लगभग 5,000 से लेकर के 10,000 मिलीमीटर क्यूब पाए जाते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं एज कम्पेयर टू द आरबीसी। आरबीसी का इतना लार्ज होने की वजह से ही हमारा ब्लड कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इनका जो लाइफ स्पान है बहुत कम होता है, 2 to 3 दिन, किसी किसी बुक में आपको खोजेंगे तो मिलेगा भी नहीं। इनमें दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एक होते हैं एग्रेनुलोसाइट्स, जिनमें टोटल 5 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। ये 5 तरीके के सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल्स को हम लोग कहते हैं कि दे आर एक्ट एज अ सोल्जर, ये एक सोल्जर की तरह काम करता है। सोल्जर क्या काम करते हैं? जो कि बाहरी इन्वेडर्स होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं। एसिडोफिल हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड, घाव के भरने में मदद करता है। बेसोफिल हैव अ एंजाइम हीपेरिन दैट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन साइड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर में ब्लड की क्लॉटिंग होने से रोकता है। मोनोसाइट एक्ट एज अ स्कवेंजर टू क्लीन द ब्लड डेड सेल्स, फीड ऑन द माइक्रोब्स इन साइड द ब्लड, एंड लिम्फोसाइट प्रोवाइड द इम्यूनिटी बाय फॉर्मिंग द एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट क्या करते हैं? हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और वो कैसे होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। तीसरा और लास्ट ब्लड सेल्स है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स क्या होते हैं? दीज आर ओवल और इरेगुलर साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट। ये ओवल या इरेगुलर होते हैं, साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट हैं, जो कि बोन मैरो में जब ब्लड बनता है उसी समय इनका भी फॉर्मेशन होता है। इनके एक खास बात होती है कि इनके पास में एक एंजाइम पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टीन। क्या कहते हैं इनको? थ्रोम्बोप्लास्टीन कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टीन, नाम याद रखिएगा। एंड थ्रोम्बोप्लास्टीन हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ द इंजरी। कहीं चोट लग जाए, ब्लीडिंग होने लगे, तो उस जगह पे ये ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, और ब्लड के क्लॉट करने से
वहाँ पे ब्लीडिंग जो है अपने आप रुक जाती है। तो दीज आर हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये हमारे हो गए, ब्लड के बारे में हम लोगों ने पूरा बात कर लिया। इसके कंपोनेंट प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं और उसमें हम लोग जानेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो चलिए अगले अपने पॉइंट पे चलते हैं। चलिए बात करते हैं कि ब्लड वेसल्स कितने तरीके के होते हैं और क्या होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी क्लोज और ओपन ब्लड सर्कुलेशन की, तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन में किसी तरीके के कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं, तो ब्लड जो है पूरे बॉडी कैविटी में ही भरा रहता है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन सर्कुलेशन। लेकिन जब वहाँ पे ब्लड किसी चैनल के थ्रू, किसी ब्लड वेसल्स के थ्रू, किसी ऐसे स्ट्रक्चर के थ्रू फ्लो करता है जो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक उसको ले जाए और फिर वहाँ से उसको वापस से हार्ट की तरफ ले करके आए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स तीन तरीके के होते हैं, को कहते हैं आर्टरी, दूसरे को कहते हैं वेन और तीसरा होता है कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। जैसा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आर्टरीज एक थिक वॉल्ड होते हैं एंड दे हैव द नैरो लूमेन। इनका जो लूमेन होता है, यानी लूमेन का मतलब है कि जो इंटरनल पार्ट होता है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, तो वो बहुत ही पतला होता है। ये कैसे होते हैं? दीज आर इलास्टिक। ये बहुत ही इलास्टिक होते हैं, लचीले होते हैं, इजिली फैल सकते हैं। तो दीज आर इलास्टिक एंड कॉन्ट्रेक्टाइल, यानी फैलने सिकुड़ने लायक होते हैं। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ लेकर के जाते हैं, यानी पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। उसके अलावा दीज आर थिक वॉल्ड एंड नैरो ल्यूमेन। तो नैरो ल्यूमेन है यानी अंदर का जो मटेरियल है वो पतला है, यानी ब्लड जो है अब हार्ट से निकलेगा क्योंकि पंपिंग ऑर्गन है, तो वो पंप कर रहा है तो ब्लड ऐसे ही हाई प्रेशर में जाएगा, तो ब्लड फ्लोज विद हाई स्पीड। तो जो ब्लड आर्टरीज में जाता है वो काफ़ी तेजी से जाता है। अगर आप अपने हाथ के इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे अगर आप टच करोगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें से ब्लड जो है काफ़ी तेजी के साथ, जर्किंग के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ब्लड फ्लो विद हाई स्पीड। उसी तरीके से दे हैव नो वॉल्व, क्योंकि ब्लड हाई स्पीड में फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे वॉल्व की कोई जरूरत नहीं है। वॉल्व क्या करते हैं? वॉल्व का काम होता है कि ब्लड को वापस आने से रोके। तो वापस आने से रोकेगा मतलब यहाँ पे तो ब्लड अपने ही हाई स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, तो ब्लड को रोकने की कोई आवश्यकता है नहीं। ओनली द पल्मोनरी आर्टरी इज देयर दैट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरे की पूरी जितनी तरीके की आर्टरीज होती हैं वो सभी के सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट से बॉडी के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती है। लेकिन एक आर्टरी होती है जो कि लंग से, जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती है, उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स, ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरा जो हमारा हिस्सा है वो है वेंस। तो वेंस क्या होते हैं? वेंस वो पार्ट होते हैं दैट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द हार्ट, जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं और उनको कहाँ लेके आते हैं? हार्ट में लेके आते हैं। इनकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू द आर्टरी। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द हार्ट। दीज आर थिन वॉल्ड विद अ ब्रॉडर ल्यूमेन। इनका जो वॉल होता है आप देख रहे हो कि वॉल थिन है, और इनका जो ल्यूमेन है अंदर वाला हिस्सा जिसमें जो ब्लड फ्लो करेगा वो कैसा है? ब्रॉडर है। दीज हैव द ब्रॉडर ल्यूमेन। ब्लड फ्लोज स्मूथली, इसमें जो ब्लड जाता है वो स्मूथली होता है, एंड सो वाई दे हैव द वॉल्व इन देम। इनके अंदर में वॉल्व पाए जाते हैं और वॉल्व क्या करते हैं? इनको वापस जाने से रोकते हैं। कहीं पे अगर ब्लड की स्पीड कम हो जाए तो ब्लड वापस ना चला जाए, तो उसको प्रिवेंट करने में ये वॉल्व जो है मदद करते हैं। ओनली द पल्मोनरी वेन इज देयर दैट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। लंग से जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ब्लड में, तो उस ब्लड को वापस कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन्स लेके आते हैं। हालांकि सारे के सारे जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करते हैं, बट पल्मोनरी वेन इज द वेन दैट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तीसरा हमारा है कैपिलरीज। तो ये सबसे थीनेस्ट होते हैं और इनका काम ही होता है कि दे ज्वाइन द आर्टरी टू वेन्स, ताकि मटेरियल का एक्सचेंज एक दूसरे के साथ में किया जा सके। तो ये हमारे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की बात हो गई। इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के ऊपर में और जानते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए हार्ट के बारे में बात करते हैं और देखते हैं सीधे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे मेरे, हार्ट का एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसके कौन कौन से पार्ट हैं और क्या हैं उन सबको जानने से पहले थोड़ा सा हमें हार्ट के बारे में जानना होगा कि आखिर हार्ट है क्या।
देखिए हार्ट जो है जितने भी वर्टिब्रेट्स हुए उनमें एक स्पेशल ऑर्गन डेवलप हुआ है जो कि सर्कुलेशन में मदद करता है। इट इज एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सो हार्ट इज अ पंपिंग मस्कुलर ऑर्गन। इट जस्ट लुक लाइक अ क्लिंच फिश साइज। ये जो बंधी हुई मुट्ठी है इसी के आकार और इसी के साइज का, एक क्लिंच फिश साइज यानी बंधी हुई मुट्ठी के आकार का होता है। इट इज लाइज इन द थोरेसिक कैविटी, ये हमारी चेस्ट कैविटी में पाया जाता है टुवर्ड द लेफ्ट लंग, जिसकी वजह से लंग्स का साइज जो है लेफ्ट लंग का वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो क्यों छोटा होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट जो है इन दो लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हो ये कॉनिकल होता है, कॉनिकल शेप्ड होते हैं। तो कॉनिकल शेप होने की वजह से इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं इसका। तो ये हार्ट का एपेक्स है, कॉनिकल हिस्सा है। हार्ट के ऊपर में एक टू लेयर्ड मेम्ब्रेन की एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग पाई जाती है। हार्ट इज सराउंडेड बाई ए ट्रांसपेरेंट टू लेयर्ड थिक सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम वो एक स्ट्रक्चर है जो हार्ट को कवर किए हुए होता है, टू लेयर्ड थिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि हार्ट को मूवमेंट कराने में, प्रोटेक्ट करने में, उसको किसी इंजरी से प्रोटेक्शन में मदद करता है। तो ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। हमारा जो हार्ट होता है जो वर्टिब्रेट्स में है, तो वर्टिब्रेट में टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड और फोर चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। टू चैम्बर्ड हार्ट जो है फिशेज में मिलता है, उसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो है वो हमारे एम्फीबियन और रेप्टिलियंस में मिलते हैं, जिसमें दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। और फोर चैम्बर हार्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द मैमल्स एंड बर्ड्स। जितने भी बर्ड्स होती हैं उनके अंदर में फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है, और जितने भी ह्यूमन बींग्स या मैमल्स होते हैं उनके अंदर में फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो इस फोर चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, ऊपर के जो दो चैम्बर्स होते हैं उनको ऑरिकल कहते हैं, नीचे के दो जो चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल कहते हैं। तो ऊपर दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल, यानी एक एक ऑरिकल और एक एक वेंट्रिकल दो दो हिस्सों में डिवाइड होकर के चार चैम्बर बना लेते हैं। चलिए हार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर में चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि हार्ट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। द अपर स्मॉलर पोर्सन, थिन वॉल्ड पोर्सन इज नोन एज ऑरिकल। ऑरिकल डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, द राइट ऑरिकल एंड द लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल इज ऑल्सो नोन एज द रिसीविंग चैम्बर। ओके, नाउ फर्दर वंस अगेन लिसन वेरी केयरफुली। द अपर स्मॉलर रिसीविंग पार्ट ऑफ द हार्ट इज नोन एज ऑरिकल। ऑरिकल डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। बोथ द ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर विद अ स्ट्रक्चर नोन एज द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। वॉट स्ट्रक्चर इज देयर? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम सेपरेट द ऑरिकल इंटू राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। दिस इज द रिसीविंग पार्ट। वाई इट इज नोन एज द रिसीविंग पार्ट? बिकॉज द राइट ऑरिकल रिसीव द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड लेफ्ट ऑरिकल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। सो वाई दे आर नोन एज द रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। द लोअर पोर्सन इज नोन एज द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स आर लार्जर, लोअर एंड थिक वॉल्ड पार्ट ऑफ द हार्ट। नीचे का जो हिस्सा है उसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। वेंट्रिकल कैसे होते हैं? लार्जर पोर्सन है, लोअर पोर्सन है, थिक वॉल्ड पोर्सन है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल्ड। वेंट्रिकल की जो कवरिंग होती है वो थिक क्यों होती है? बिकॉज टू प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग इन कंडीशन व्हेन द ब्लड कम्स फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो उस समय ऐसा ना हो, क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर के साथ में आता है, तो ऐसा ना हो कि इनकी वॉल जो है वो फट जाए। इसलिए वेंट्रिकल की वॉल जो है वो कैसी होती है? थिक वॉल्ड होती है, जो इसको कोलैप्स होने से, हार्ट को कोलैप्स होने से रोकने का काम करती है। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स पाए जाते हैं। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, यानी तीन इसके ऊपर में सेमी ल्यूनर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पाए जाते हैं, जो ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो आने देते हैं बट दे प्रिवेंट द बैक फ्लो, यानी वापस इसको वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जाने देते हैं। उसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो वॉल्व पाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो आने देती है लेकिन वापस वेंट्रिकल में से ऑरिकल में वापस नहीं जाने देती है। अगर हम एक एक स्ट्रक्चर को देखें तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो आप, इन्फीरियर वेना केवा, तो इन्फीरियर वेना केवा जो है
इट कलेक्ट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरे शरीर के निचले हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करके उसे कहाँ लेकर के आता है, राइट ऑरिकल में लेके आता है। इसी तरीके से आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का काम क्या होता है कि शरीर के यानी हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से, पूरे हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लेके आता है, राइट ऑरिकल में लेके आता है। इसी समय पे सेम टाइम जब यहाँ पे आता है तो जब ब्लड आएगा तो क्या होगा, इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा यानी ब्लड फिलअप करेगा, तो ये हिस्सा जो है ब्लड का क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और ब्लड उसमें भरने लगता है। एट द सेम टाइम द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव द ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। इसी समय पे लेफ्ट लंग लेफ्ट ऑरिकल जो है वो लंग से ब्लड को रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और इसका भी वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो जब ब्लड आने लगते हैं तो यहां पे आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहां पे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरने की वजह से ये ऑरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। फिर क्योंकि ये जो पेरिकार्डियम के बने हैं तो पेरिकार्डियम के अंदर में खुद से, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, उसके अंदर में खुद का रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी होती है जिससे वो सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जो ब्लड है वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ गया, और वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आ गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये रिलैक्स होगा, इन्होंने ब्लड को रिसीव किया। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो लेफ्ट राइट ऑरिकल है, इस राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ भेज दिया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे रिलीज कर देते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम लोगों ने समझा था उसको। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आया था ये हमारे एओर्टा से होते हुए कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पूरे बॉडी में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, ये पूरे बॉडी में भेज दिए जाते हैं। इसको हम लोग एओर्टा कहते हैं या इसको ग्रेट वेन के नाम से भी जानते हैं, दीज आर नोन एज द एओर्टा और दीज आर नोन एज द ग्रेट वेन्स। तो ये ग्रेट वेन है या एओर्टा है, तो इस एओर्टा या ग्रेट वेन्स की वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो जो हिस्सा है वो कहाँ पहुँच जाता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से अलग कौन करता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम उसको अलग करता है। उसी तरीके से ऑरिकल को ऑरिकल से अलग कौन करता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो है वो एक दूसरे को अलग करते हैं, और यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में लगातार इसी तरीके से होता रहता है। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है और हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। वाल्व जहाँ भी होते हैं, अब यहाँ पे वेंट्रिकल्स से हम लोगों ने देखा कि पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं तो वहाँ भी वाल्व है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जो ब्लड जाता है उनके बीच में भी वाल्व है, और वाल्व जहाँ भी मिलेंगे वाल्व का एक ही काम होगा, वाल्व का क्या काम होगा कि दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को हमेशा आगे बढ़ने देते हैं, उसको वापस आने से रोकने का काम करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया। इसी में डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन की बात होती है, तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन विच ब्लड कम्स ट्वाइस एंड सप्लाई वंस टू द बॉडी, यानी ब्लड जो है दो बार शरीर के अंदर आता है यानी हार्ट के अंदर आता है और एक बार पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक पूरे बॉडी से ब्लड सर्कुलेट करके कलेक्ट करके हार्ट में आया, फिर लंग से कलेक्ट होकर के हार्ट में आया, और बॉडी में सप्लाई कितनी बार हुआ, एक बार हुआ यानी एओर्टा के थ्रू एक बार बाहर गया, तो इसको हम लोग कहेंगे डबल सर्कुलेशन, यानी दो बार हार्ट में आया ब्लड और एक बार पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड कम्स वंस एंड सप्लाई वंस टू द बॉडी, एक ही बार आया हार्ट में और एक बार में पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया, तो वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन किसमें मिलेगा, फिशेज में मिलेगा जिसमें दो चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, और डबल सर्कुलेशन किसमें मिलेगा, उनमें मिलेगा जिनमें तीन चैम्बर या फोर चैम्बर हार्ट जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है देख लिया। इसमें हार्ट बीट होता है, हार्ट जनरेशन होता है, सिस्टोल और डायस्टोल की कंडीशन होती है। तो सिस्टोल के बारे में जान लेंगे, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल इज नोन एज सिस्टोल। हार्ट मसल के अंदर में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ ऑरिकल में तो ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया और एओर्टा से पूरे बॉडी में गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट मसल्स का, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल।
एंड रिलैक्सिंग ऑफ द हार्ट मसल इज नोन एज द डायस्टोल। तो रिलैक्स कब हुआ, जब पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर के आया, तो वो डायस्टोल की कंडीशन होती है, वहां पे जो वॉल्यूम होता है हार्ट का वो इंक्रीज कर जाता है और ब्लड फिल कर जाते हैं। तो इस तरीके से सिस्टोल डायस्टोल की बात हम लोगों ने कर ली। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि ब्लड का जो प्रेशर होता है उनके वॉल्व के ऊपर, आपने घरों में देखा होगा कभी मम्मी पापा का अगर ब्लड प्रेशर चेक होता है तो डॉक्टर एक इन्फ्लेटेड ट्यूब उन पे बांधता है और फिर उसमें हवा भरता है। तो हवा भरने से क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिससे हार्ट को और ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे कि वो ब्लड को पुशअप कर सके, वहाँ से बाहर निकाल सके। तो हार्ट का वो मैक्सिमम पुशअप जिसमें वो ब्लड प्रेशराइज हो करके ब्लड को पंप करने की कोशिश करता है, वही हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो वहाँ पे वो डॉक्टर जो है स्फैग्मोमैनोमीटर, वो जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मदद से ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम करते हैं। तो बहुत सारी बातें आज डिस्कस हुई, इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने समझा। इसको ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए, और कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। टिल देन, गुड बाय।